लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का डिस्कशन किया था, जिसमें से लास्ट टाइप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें मैग्नेटिक रिटेंशन बहुत कम होता है, आसानी से सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, मतलब होता है, थोड़ा बहुत होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब कि जिसकी परमेबिलिटी थोड़ा सा कम होती है, परमेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और इसका कोएर्सिव फोर्स ज्यादा होता है। कोएर्सिव फोर्स इसमें ज्यादा होने का मतलब ये मैग्नेटिक रिटेंशन ज्यादा होगा, इसीलिए हाई कोएर्सिव फोर्स यहाँ लिखा हुआ है। तो एक प्रॉब्लम है ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ। उसके बाद फेराइट्स भी एक टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो कि एक स्पेशल ग्रुप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जो कि इंटरमीडिएट पोजिशन यानी कि इन बिटवीन फेरोमैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में एक स्पेशल होते हैं फेराइट्स। और अब जो इम्पोर्टेंट चीज हमें पढ़नी है वो है मैग्नेटाइजेशन कर्व और बीएच कर्व। मैग्नेटाइजेशन कर्व दो क्वांटिटी के बीच में प्लॉट होता है, बी एंड एच के बीच में, और बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एंड एच का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एच को मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एच का फॉर्मूला होता है एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, यानी कि एम्पियर टर्न पर मीटर यूनिट हो गई। बी का फॉर्मूला यानी फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। बी और एच के बीच में रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू म्यू एच और म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। तो जनरली आप यहाँ देख सकते हैं दैट बी इज प्रोपोर्शनल टू एच। तो हमें कर्व प्लॉट करना है बी और एच के बीच में। तो यहाँ पर एक कर्व प्लॉट हुआ है बी और एच के बीच में। ये कर्व है नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स का। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब ये हुआ कि म्यू आर वन हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो फॉर्मूला होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। अब म्यू नॉट कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज 4 पाई इंटू 10^-7 हेनरी पर मीटर। दैट मीन्स बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जिस प्रोपोर्शन में एच इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में बी भी इंक्रीज होगा, इसीलिए आपको यहाँ पर एक लीनियर लाइन दिख रही है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बीएच कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन मिलती है इसमें। कारण क्योंकि म्यू आर की वैल्यू वन होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब एयर हो गया, वुड हो गया, जो भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उनके लिए जो बीएच कर्व है वो इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिलता है। नेक्स्ट बीएच कर्व अब हमें देखना है कि मैग्नेटिक मटेरियल के लिए कैसा होता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल में म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमिबिलिटी वन नहीं होता, वन से ज्यादा होता है। कि किसी के लिए मे बी इन टर्म्स ऑफ 650, 600, 1000, 2000, तो म्यू आर की वैल्यू अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल के अलग अलग हो सकती है। आयरन के लिए अलग होगी, स्टील के लिए अलग होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बी और एच के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन को इफेक्ट करेगा म्यू आर। म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी, और ये चेंज होता है जैसे जैसे फ्लक्स डेंसिटी चेंज होती है। तो इसलिए बी एच कर्व अब हमें नॉन लीनियर मिलेगा। नॉन लीनियर मिलने का मतलब है इस तरह का कुछ कर्व हमें मिलेगा। मैंने आपको पिछले क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टर्म बताया था, मैग्नेटिक फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स। डोमेन्स मतलब मैग्नेटिक डोमेन्स
इट कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10^11 और 10^12 मैग्नेटिक डाइपोल्स जिनका डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होता है. ऐसे 10^11 और 10^12 जो एटम्स होते हैं, एटम्स जिनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे डोमेन्स बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं. तो एग्जांपल के लिए कल मैंने आपको बताया था कि आप किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ले लीजिए, मान लीजिए उसके जो डोमेन्स है वो रैंडम फैशन में किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. इस तरह से अब ये जो एरो हेड्स हमने बनाए हैं, इसमें जो एरो हेड आप देख रहे हो, एक टेल हो गया, एक हो गया हेड. इसका जो हेड है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को बता रहा है. तो ये बहुत ही रैंडम फैशन में होते हैं. अब क्योंकि ये एक तरह का 2D डायग्राम है तो इसलिए आपको सिर्फ राइट लेफ्ट अबव इस तरह से डायरेक्शन दिख रही है. बट कुछ डोमेन्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी डायरेक्शन आपके तरफ हो, जिधर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो उसको हम डॉट बना दें, और कुछ हो सकता है जो स्क्रीन से अंदर की तरफ है तो उसको हम क्रॉस बना दें उसकी डायरेक्शन के लिए. यानी ये जो डॉट है इसमें मतलब हेड आपकी तरफ है और क्रॉस मतलब टेल जो है वो आपकी तरफ है, और जो एरो हेड है यानी हेड जो है वो स्क्रीन से अंदर की तरफ है. तो इस तरह से रैंडम फैशन में डोमेन्स ओरिएंटेड होते हैं इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. जब एच अप्लाई होता है दैट मींस मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई होता है. लेट मी सी अगर कोई वेट कर रहा हूं, बट इज वेटिंग. सो जब एच अप्लाई होगा दैट इज MMF पर यूनिट लेंथ इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के क्रॉस. एच अप्लाई होगा दैट मीन्स इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो डोमेन्स है इनमें फोर्स लगना शुरू होगा. ये एच धीरे धीरे देखिए इंक्रीज होगा. पहले मान लीजिए एच की वैल्यू इतनी है, फिर इंक्रीज होगा, फिर और इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करेंगे. धीरे धीरे एच इंक्रीज हो रहा है. एच कैसे इंक्रीज हो रहा है? एच इज इक्वल टू है NI/L. तो N तो इंक्रीज होगा नहीं, L तो इंक्रीज होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है करंट इंक्रीज होगी. तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एच इंक्रीज होगा. अब ये करंट कहाँ इंक्रीज हो रही है, एच कहाँ इंक्रीज हो रही है, तो इसके लिए मैंने पिछले क्लास में ये डायग्राम आपको बताया था कि एक सोलेनाइड है, इसके अंदर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसको प्लेस्ड किया, इसके बाद रियोस्टेट की हेल्प से धीरे धीरे करंट को इंक्रीज करना शुरू करेंगे. करंट इंक्रीज होगी तो एच इस सोलेनाइड के पर यूनिट लेंथ में जो एच प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, वो इंक्रीज होगा. तो अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं. तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे एच इंक्रीज होगा. एच इंक्रीज होगा तो ये एच क्या करेगा, इन डोमेन्स को मैग्नेटाइज करना शुरू करेगा. मान लीजिए इनिशियली जो एच इंड्यूस हो रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो लेफ्ट टू राइट है. पहले मान लीजिए एच की वैल्यू इतनी है, फिर जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे एच और बढ़ेगा, एच और बढ़ेगा, एच और बढ़ेगा, एच और बढ़ेगा, एच और. इस तरह से धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एच इंक्रीज होता जाएगा. एच क्या करेगा, इन डोमेन्स को कंपल करेगा, बाध्य करेगा कि आप सब मेरी डायरेक्शन में अलाइन हो जाओ. क्योंकि इन डोमेन्स में मास होगा, क्योंकि सब डोमेन्स के अंदर है क्या, एटम्स हैं, एटम्स में मास होते हैं, तो इन डोमेन्स में भी मास होगा. मास का दूसरा मतलब इनर्शिया हो गया. तो ये डोमेन्स क्या करेंगे, इनिशियली दे विल रेजिस्ट देयर मोशन, अपने जो चेंज इन पोजिशन को ये अपोज करेंगे इनिशियली. इसी वजह से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कर्व है, पहले मैं ये ब्लैक डॉट को हटा दूं, तो आप इसमें देखें तो ये जो कर्व है आप देखिए इनिशियली ये इस तरह से देखिए बेंड होके स्टार्ट हो रहा है. मतलब इसको इस तरह से स्टार्ट हो जाना चाहिए था. मान लीजिए हम यहाँ पे इस एक्सिस को ले लें, और कर्व को आप इस तरह से भी बना सकते थे. क्यों ये कर्व इस तरह से बेंड हुआ, ये कर्व इसलिए इस तरह से बेंड हुआ कि ये कर्व ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इनिशियली इन डोमेन्स ने अपने पोजीशन के चेंज को रजिस्ट किया बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्रिक्शन क्यों होता है, इन डोमेन्स के इनर्शिया की वजह से. तो इनिशियली जो है इन्होंने रजिस्ट किया, इसलिए कुछ समय बाद
बी बनना शुरू हुआ। बी मतलब मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मतलब इन डोमेन्स का अपने पोजीशन से हट के इस एच के डायरेक्शन में अलाइंड होना शुरू होना। तो जैसे जैसे एच को फर्दर इंक्रीज किया जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे एच इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे ये कर्व ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी ये डोमेन्स धीरे धीरे अपने आप को अलाइंड करते जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एच। यहाँ पर डायग्राम में मैंने जो डोमेन्स बनाए हैं वो आप मान लीजिए 4, 3, 12, 12 डोमेन है, नहीं 12 से ज्यादा डोमेन है, 4 यहाँ बना दिए, 4, 8, 8 और 5, 13, एंड यहाँ पे दो और बना दिए थे मैंने, 15। तो टोटल 15 डोमेन्स है। सपोज एच अप्लाई आप करते जा रहे हैं, जैसे जैसे एच इंक्रीज होता जाएगा ये सारे डोमेन्स अपने आप को अलाइंड कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एच। तो इस तरह से ये सबके सब अपने आप को अलाइंड कर लेंगे। ये वाले जो डोमेन है, ये दोनों डोमेन्स ये भी अलाइंड हो जाएंगे। नीचे जो 5 डोमेन और हैं इनको भी कंसीडर कर लेते हैं, ये भी अलाइंड होगा। ये एच अप्लाई है इस डायरेक्शन में, ये पूरा एच, जितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ एच की थी वो पूरी आ गई। ओके, लेट मी सी अगेन इफ देयर इज एनीबडी टू ज्वाइन, नोबडी इज देयर नाउ। सो सारे सारे जितने सारे डोमेन्स थे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, वो सारे के सारे अप्लाइड एच के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गए, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये बी अपियर हो गया, पूरा मैग्नेटाइजेशन हो गया। ठीक, अब आप यहाँ देखिए कि हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए 15 डोमेन कंसीडर किए, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है थोड़े समय के लिए मान लीजिए, उसमें सिर्फ 15 डोमेन्स है। जब सारे 15 के 15 डोमेन्स मैग्नेटाइज हो जाएंगे और आप एच को अभी भी बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, जब 15 के 15 डोमेन जो थे वो मैग्नेटाइज हो गए, सपोज ये एक ऐसा टाइम आया इस एच की वैल्यू के लिए पूरे 15 डोमेन्स मैग्नेटाइज हो गए। अब फर्दर हम अगर एच की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने डोमेन्स थे वो सारे मैग्नेटाइज हो गए। अब आप एच फर्दर अप्लाई करते जाइए, कोई जब मैग्नेटाइज होने के लिए बचा नहीं, यानी पूरा मैग्नेटाइजेशन हो गया, तो ये कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिलना शुरू हो जाएगा, और इसको कहते हैं सैचुरेशन। तो इस तरह से ये आप बी एच कर्व देख रहे हैं जो बन रहे हैं। यहाँ ए से बी तक लीनियर है, यानी ये सारे जो एक बार अपने पोजीशन को छोड़ दिए, मैग्नेटाइज होना शुरू कर दिए सारे डोमेन, तो फिर ये लीनियरली मैग्नेटाइज होने लगेंगे। जिस प्रोपोर्शन में एच बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में इनके अंदर कैपिटल बी यानी कि फ्लक्स डेंसिटी बनती जाएगी। लेकिन जब सारे के सारे मैग्नेटाइज हो जाएंगे तो सेचुरेशन की स्टेज आ जाएगी। अब एच आप कितना भी बढ़ाइए, जब डोमेन सारे मैग्नेटाइज हो गए तो फर्दर मैग्नेटाइजेशन होगा ही नहीं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलना शुरू हो जाएगी, इसको कहते हैं सेचुरेशन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? संगम, रिया, अश्विन, आप लोगों को ये समझ आया बेटा? यस सर, यस सर, ओके, देखिए नेक्स्ट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। दिस टर्म इज नोन एज मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का मीनिंग आप ढूंढेंगे तो ये मिलेगा समथिंग विच लैग्स, समथिंग विच लैग्स, या और आसान भाषा में कह दे तो मेमोरी, हिंदी में जिसे याददाश्त कहते हैं, याद कहते हैं। तो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस यानी मैग्नेटिक मेमोरी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से उसमें कुछ मैग्नेटिक मेमोरी रह जाती है, यानी बची रहती है कुछ मैग्नेटिज्म, उसी से रिलेटेड है मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस ये बताती है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से बी ऑलवेज लैग्स बिहाइंड एच। पी एच से हमेशा लैग करता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। ऐसा क्यों होता है, क्यों पी एच से लैग करता है, तो उसका कारण मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर ही रहा था, दैट इज मैग्नेटिक फ्रिक्शन। डोमेन्स की जो इनर्शिया है वो ऑफर करते हैं, अपने पोजीशन चेंज को अपोज करते हैं, जिस वजह से ये मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस आती है, इसी वजह से बी एच से लैग करता है। ठीक है, यहाँ पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का
हिस्टेरेसिस लूप बना हुआ है। ये लूप जितना ज्यादा वाइडर होगा उसका मतलब मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादा है, जितना ज्यादा नैरो होगा इसका मतलब उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जिसके लिए कर्व बना है उसमें मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कम होगा। ठीक है, ये कर्व जो बना हुआ है ये वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के लिए बना है। ठीक है, दैट मींस एक बार H जो है वो पॉजिटिव साइकिल में अप्लाई किया गया जिसको कह दिया गया मैग्नेटाइजेशन, फिर H जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया गया जिसको कह दिया गया डीमैग्नेटाइजेशन। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक बार H पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया गया मतलब एक बार मैग्नेटाइज हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फिर जब एच को रिवर्स करेंगे तो वो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, उसको दूसरे शब्दों में डीमैग्नेटाइजेशन भी कहा जाता है। तो जब एक कंप्लीट साइकिल के लिए आप बी एच कर्व प्लॉट करेंगे, जो ऊपर वाला ये है ये एक साइकिल के लिए सिर्फ, सॉरी हाफ साइकिल के लिए मतलब सिर्फ मैग्नेटाइजेशन के लिए, इसमें डीमैग्नेटाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो जब डीमैग्नेटाइजेशन के पार्ट को भी आप कंसिडर करेंगे तो कर्व में इस तरह का चेंज आ जाएगा, एक लूप बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब H को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज किया, इंक्रीज करते गए तो जो कर्व है वो इस तरह का बनेगा। क्यों इस तरह का बनेगा अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। ठीक, इस तरह का कर्व बनेगा, यहाँ आके सेचुरेशन आ जाएगा। क्यों सेचुरेशन आ जाएगा वो भी मैंने आपको बताया कि इसके बाद कोई भी डोमेन नहीं बचा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइज होने के लिए। तो इसके बाद फर्दर एच को बढ़ाना बेवकूफी है, कोई मतलब नहीं है। यहां पर आप लिख सकते हैं एच मैक्स जिसके लिए यहाँ पे सेचुरेशन आ गए। ठीक है, अब उसके बाद इस कर्व में क्या है कि अब एच को फिर रिड्यूस करना शुरू किया, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट एच को रिड्यूस करना शुरू किया। जब एच को रिड्यूस करना शुरू किया तो एक बड़ा ही पिक्यूलियर सा फिनोमिना मिला। वो फिनोमिना क्या मिला कि अब ये कर्व जिस रास्ते से गया मतलब ये कर्व ने मैग्नेटाइजेशन के लिए जो पाथ फॉलो किया वो पाथ ये है, लेकिन जब एच को रिड्यूस करना शुरू किया गया तो ये नोटिस किया गया कि कर्व जो है वो अपने पाथ को रिट्रेस ना करके इस पाथ को रिट्रेस कर रहे इस तरह से, और H रिड्यूस होते 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 जीरो हो गया। H जीरो हो गया बट ऑब्जर्व क्या हुआ कि B अभी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बना हुआ है और इसको कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जो बचा रह गया मेमोरी दैट इज हिस्टेरेसिस। तो H तो जीरो हो गया यहां आके बट B फिर भी मैग्नेटिक मटेरियल में बचा रह गया। कैसे बचा रह गया, क्योंकि एक मिनट, ये जो आप डोमेन्स देख रहे हैं 15 डोमेन्स, ऐसा हो सकता है मतलब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसा मान सकते हैं क्योंकि ये फिनोमिना है, ऐसा होता है, ये अपेरेंट है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा होता है। अब इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इस 15 डोमेन में से हो सकता है कि सारे डोमेन अपनी पुरानी पोजीशन पे पहुंच गए हों, ज्यादातर ये जो ऊपर वाली पोजीशन है इसमें ज्यादातर पहुंच गए। हो सकता है कोई दो तीन या एक दो डोमेन ऐसे हो जो अपने इस पोजीशन पे ना रह के कहीं बीच में, जैसे मान लीजिए ये वाला डोमेन है कहीं ये बीच में अटक गया हो, मान लीजिए इस पोजीशन में रह गया हो। ठीक है, इसी तरह से ये वाला डोमेन मान लीजिए इस पोजीशन में रह गया होगा, तो इसका मतलब इन डोमेन्स में अभी भी मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, ये पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं हुए, इसी वजह से यहां पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो इसको नाम दिया गया रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्यों हुआ, क्योंकि कुछ डोमेन में मैग्नेटिज्म रिटेन रह गई जिसको कहते हैं रिटेंटिविटी। तो अब इस ग्राफ में यह दिखाया गया है कि फर्दर अब एच को जीरो होने के बाद अगर रिवर्स कर दिया जाए करंट को और कुछ एच और अप्लाई किया जाए, यानी इतना एच और अप्लाई किया जाए, तो हम देखेंगे कि ये जो डोमेन्स थे जो बीच में कहीं अटक गए थे इनमें जो मैग्नेटिज्म बचा रह गया था ये अपने पुराने पोजीशन यानी इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन पे पहुंच जाएंगे।
ठीक है, तो इसको कहते हैं जो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी, एक्स्ट्रा फोर्स एच अप्लाई करना पड़ा, इसको कहते हैं कोएर्सिव फोर्स। ठीक है, सी, एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई। इसको कहते हैं कोएर्सिव फोर्स विच नीड्स टू डाई आउट दिस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, दिस इज नोन एज कोएर्सिव फोर्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कई टाइप के होते हैं, सबके लिए कोएर्सिव फोर्स अलग अलग हो सकता है। जिसका लूप जितना ज्यादा वाइडर होगा जिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, उतना ज्यादा कोएर्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, फिर फर्दर इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि फर्दर एच को नेगेटिव डायरेक्शन में और इंक्रीज किया जाए, तो यानी अब जो अप्लाइड एच है वो ये हो गया, डायरेक्शन अब इसकी क्या हो गई, राइट से लेफ्ट। तो अब सारे डोमेन्स इस अप्लाइड एच के डायरेक्शन में अलाइंड होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो डोमेन्स आप देख रहे हैं ये वाले, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में अलाइंड होंगे, ये जो ऊपर डोमेन्स बने होंगे। ठीक है, अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गए, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में, यानी अब सारे डोमेन को किस डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में आना है। तो एक तरह से आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो डोमेन्स हैं ये रिवर्स मैग्नेटाइजेशन में रखे गए हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का साइक्लिक रिवर्सल हो रहा है। जैसे एच पहले किधर था, राइट हैंड साइड अप्लाई हुआ था, फिर कुछ टाइम के बाद किधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, एच का साइक्लिक रिवर्सल कर रहे हैं। तो इसलिए डोमेन्स जो हैं वो साइक्लिक रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हैं, तो इनको बार बार अपनी ओरिएंटेशन को बदलना पड़ रहा है। अब इस ओरिएंटेशन को बदलने पर इनकी मैग्नेटिक फ्रिक्शन यानी कि जो इनर्शिया है डोमेन्स की वो आड़े आ रही है, जिस वजह से ये लीनियर ग्राफ आपको नहीं दे रहा है। कुछ समय बाद एच को नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करते करते फिर से आप एक एक्सटेंट पे पहुंच जाएंगे जहां पर मैक्सिमम एच आपने अप्लाई कर दिया, जितना अप्लाई कर सकते थे, सारे डोमेन्स अलाइंड हो गए इस डायरेक्शन। अब फर्दर एच को इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं, जब सारे डोमेन अलाइंड हो गए तो अब कुछ नहीं होने वाला, ये कर्व फिर से फ्लैट हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या आ गया, सैचुरेशन। अब हम क्या करेंगे, फिर से एच को रिड्यूस करेंगे। जब एच को रिड्यूस करना शुरू करेंगे तो फिर यही चीज होगी कि H रिड्यूस करते करते जीरो आ गया, लेकिन फिर B यहां पर भी बचा रह गया, यानी यहां पर भी क्या आ गया, B रेसिड्यू। अब फर्दर पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज करने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पॉजिटिव डायरेक्शन में इतना H फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, इतना H यानी कि कोएर्सिव फोर्स। अब यहां पर ये जो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, कौन सी, एच एक्स्ट्रा, दोनों डायरेक्शन में जो अप्लाई हो रही है, अप्लाई करनी क्या पड़ रही है, अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जवाब जो एनर्जी का सोर्स होगा उसी से तो मिलेगी। एनर्जी सोर्स कौन सा है, ये जो सोलेनाइड वाला डायग्राम मैंने बनाया था, ये गया, यहाँ पर ये है एनर्जी सोर्स, ये बैटरी ही तो सारा काम कर रही है। एच जो अप्लाई हो रहा है उसके लिए करंट कहाँ से आ रही है, इस एच में, इस बैटरी से आ रही है। तो एनर्जी जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होगी वो किसकी होगी, बैटरी की होगी। अगर सब कुछ सही होता, ये सारे डोमेन्स अगर मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस ना दे रहे होते, यानी मैग्नेटिक फ्रिक्शन ना ऑफर कर रहे होते, तो फटाफट ये अपने आपको एच के साथ अलाइन करते रहते। जिस डायरेक्शन में एच जाता लीनियरली ये सारे उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते, फिर एच रिवर्स होता ये सारे फिर से रिवर्स डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते, अगर ये मैग्नेटिक फ्रिक्शन ऑफर ना करते। तो उस केस में एच को, सॉरी, ये जो बैटरी है इससे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे डोमेन्स का जो फ्रिक्शन है, मैग्नेटिक फ्रिक्शन है, उसके वजह से बैटरी से एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है दोनों साइकिल में, पॉजिटिव में यानी मैग्नेटाइजेशन की साइकिल में भी और डीमैग्नेटाइजेशन की साइकिल में भी। तो एनर्जी का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट हो रही है इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक, जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है साइक्लिक रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, डोमेन्स उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के लॉस को, इस एनर्जी के एक्स्ट्रा लॉस को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। जितना ज्यादा ये लूप वाइडर होगा एनर्जी का लॉस यानी हिस्टेरेसिस लॉस उतना ज्यादा होगा, जितना कम होगा, नैरो होगा ये लूप, उतना कम होगा हिस्टेरेसिस का लॉस। ठीक है,
तो अगर हम कुछ समय के लिए यहाँ पे ये जो सोलेनाइड अभी बना था पीछे, इसमें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने प्लेस किया था, मान लीजिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हमने इसमें प्लेस कर दिया, और यहाँ पर इस तरह से कॉइल लगा दी। अब यहाँ पर हम बैटरी को हटा के अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज लगा दें, जिसकी की फ्रीक्वेंसी सपोज 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब यह है कि एक सेकेंड में अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स ओरिएंटेशन फील्ड की चेंज होगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स, समझ लीजिए, एक सेकेंड में नहीं, जस्ट अ मिनट, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन आपको गलत बता दी। आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ना, टाइम पीरियड क्या होगा, 1/50, ये टाइम पीरियड होगा 1/50 सेकेंड, यानी 1/50 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी कम समय में 100 टाइम्स ओरिएंटेशन चेंज होगी, किसकी, अप्लाइड वोल्टेज की। अप्लाइड वोल्टेज की ओरिएंटेशन चेंज हुई तो किसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी, तो जवाब है H is equal to NI by L में I की ओरिएंटेशन चेंज होगी, I की ओरिएंटेशन चेंज होगी तो H की ओरिएंटेशन चेंज होगी। तो इस तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो यहाँ रखा हुआ है अंदर, इस बेचारे के डोमेन्स को 1/50 सेकेंड्स में 100 टाइम्स अपने ओरिएंटेशन को बदलना है, कितने रैपिडली ये चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था बड़े आसानी से कि किस तरह से डोमेन अलाइंड हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए कितनी तेजी से ये मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो रही है और उसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन्स को फॉलो करना है। इसी वजह से ये कर्व आप देख रहे हैं कितना वाइडर बना हुआ, ठीक, क्योंकि साइक्लिक रिवर्सल यहाँ बहुत तेज हो रहा है। इस क्विकली रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन्स को फॉलो करना है, बट ड्यू टू देयर मैग्नेटिक फ्रिक्शन, मैग्नेटिक इनर्शिया, they cannot follow this quick reversal of magnetic field, hence the phenomena is known as hysteresis loss occurs, because of that this hysteresis loop formed in VH curve. आप लोगों को समझ आया जो मैंने explain किया hysteresis loss? अश्विन, गुड्डू, संगम, शिवांग, आप लोगों को समझ में आया बेटा? आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस सर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, रिटेंटिविटी, कोएर्सिव फोर्स, इन सब पे डेफिनेशन इनकी बड़ी छोटी छोटी है, इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस मैंने अभी आपको बताया, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ cycle of magnetization, that is, it is magnetized first in one direction and then in other direction, and energy loss takes place due to molecular friction in the material, that is the domains or molecular magnets, domains ko molecular magnets bhi kehte hain, of the material resist being turned first in direction and then in other direction. Yahan par ek word chhut gaya hai, first in one direction and then in other. Energy is thus expended in the material in overcoming this opposition. मतलब ये जो opposition है, जो molecular magnets यानी domains offer कर रहे हैं, इसको overcome करने के लिए energy खर्च होती है, और ये energy खर्च होने के वजह से जो energy का loss हुआ, यानी extra energy देनी पड़ी तो loss हो गया, तो this loss is in the form of heat and is called hysteresis loss. मतलब ये जो loss है, पावर एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं तो वो भी किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती, हीट के फॉर्म में, यानी जो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो गर्म होते हैं, इसीलिए जो मशीन्स आप देखते हैं उनको आप कोर वगैरह को टच करें तो वो गर्म होती है। एक तो होता है I²R लॉस, यानी कि जो रेजिस्टेंस की वजह से लॉस है उसके वजह से भी हीटिंग होती है, और हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से भी हीटिंग होती है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करी जाती है मशीन में, जो भी मशीन बनाई जाती है, जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर है, वो मशीन तो नहीं है लेकिन ट्रांसफार्मर है, आप इसको मशीन कह सकते हैं, क्योंकि इट रिड्यूसेस आवर एफर्ट टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज और करंट लेवल, तो यू कैन कॉल इट एज अ मशीन, बट इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, देयर इज नो रोटेशनरी पार्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर, सो
more generally transformer is not called as a machine, but you can call it a machine. Okay, so what I'm saying is that सारी machines में ये चीज देखी जाती है कि hysteresis loss को हम कैसे minimize कर सकते हैं. तो इसका सबसे पहला तरीका ये है कि आप ऐसे ferromagnetic material का core बनाइए जिसका hysteresis loop narrow है. ये सबसे पहली कोशिश की जाती है. तो at the point of designing, in the process of designing, hysteresis loss को minimize already कर दिया जाता है. तो जो भी machines हैं, transformers हैं, इसमें hysteresis loss already बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम होता है. ठीक, यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला देख रहे हो. हिस्टेरेसिस लॉस यानी कि पावर लॉस हुआ ना, तो इसलिए P सफिक्स में H लिखा हुआ है. P स्टैंड्स फॉर पावर लॉस. तो PH इज इक्वल टू K टाइम्स B स्टैंड्स फॉर फ्लक्स डेंसिटी, K स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट. सारे मटेरियल के लिए कांस्टेंट अलग अलग होगा. P मैक्स टू द पावर 1.6, ठीक है. और स्मॉल f है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल. जैसे इंडिया में ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है. और वी जो है ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है, यानी मटेरियल का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, ये लॉस उतना ज्यादा होगा. पहली तो बात ये. उसके बाद रिवर्सल ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा है तो भी ये लॉस ज्यादा होगा. तो फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है 50 हर्ट्ज, वॉल्यूम कोशिश करते हैं कम रखें, कोर का जो कोर बना रहे हैं उसको वॉल्यूम कम रखें ताकि हिस्टेरेसिस लॉस को लिमिट रख सकें. फ्लक्स डेंसिटी आप देख रहे हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल है लॉस. जितना ज्यादा होगा फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम, उतना ज्यादा ये लॉस हो सकता है. तो ये लॉस पूरी तरह से आप मान सकते हैं कॉन्स्टेंट है, क्योंकि डिजाइनिंग प्रोसेस पे सारे काम आप कर सकते हैं. बी मैक्स मतलब कि बी मैक्स का मतलब ये हुआ दैट फाई मैक्स अपॉन ए. तो सारा चीज जो है वो डिजाइनिंग प्रोसेस में आप कवर कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मिलनी है आपको सप्लाई वोल्टेज से, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कांस्टेंट होगा ही, इसे कम से कम रखिए. बी मैक्स की वैल्यू भी कम से कम रखिए. इसका तरीका क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि फॉर गिवन फ्लक्स फाई मैक्स, ठीक है, बी मैक्स मैक्सिमम हो गया, ठीक. तो ए की वैल्यू जितनी कम होगी गिवन फ्लक्स के लिए, बी मैक्स आपका क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा. इसीलिए सारी मशीन्स जो होती हैं, चाहे वो जनरेटर हो, मोटर हो, ट्रांसफॉर्मर हो, इनफैक्ट वो मैक्सिमम फ्लक्स पे काम करने के लिए बनाई जाते हैं. उनके कोर को डिजाइन किया जाता है कि वो मैक्सिमम फ्लक्स पे, यानी कि ऑलमोस्ट सैचुरेशन लेवल पे काम करते हैं, ताकि एरिया जो कोर का है वो कम से कम रहे. ठीक, कम से कम कोर का एरिया लेके ट्रांसफॉर्मर बनाया जा सके, ताकि साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर या कोई भी मशीन, मैं यहाँ ट्रांसफॉर्मर एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर कम रहे. ठीक है, अगर हम मैक्सिमम फ्लक्स की रेंज में, यानी ऑलमोस्ट सैचुरेशन रीजन में कोर को काम करने के लिए डिजाइन नहीं करेंगे, तो फॉर द सेम ट्रांसफॉर्मर हमें ज्यादा कोर का एरिया, यानी ट्रांसफॉर्मर का साइज बढ़ जाएगा. तो जो आप अपनी आंखों से अपने मोहल्ले में कोई भी ट्रांसफॉर्मर देख रहे हो, उसका दुगना साइज हो सकता है ट्रांसफॉर्मर का, अगर मैक्सिमम फ्लक्स की रेंज में कोर को काम करने के लिए डिजाइन ना कराया जाए तो. बहरहाल ये थोड़ा सा ऊपर की बात हो गई आप लोगों के लेवल से, लेकिन फिर भी हिस्टेरेसिस लॉस किसी भी गिवन मशीन के लिए कॉन्स्टेंट होता है. डिजाइनिंग प्रोसेस पे इन सारे पैरामीटर्स को लिमिट कर लिया जाता है. ठीक, तो हिस्टेरेसिस लॉस बेसिकली आप यहां से देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, यानी जिस सर्किट में फ्रीक्वेंसी जीरो होगी वहां हिस्टेरेसिस लॉस भी जीरो हो जाएगा. तो इस तरह से समझ लीजिए कि डीसी सर्किट में अगर डीसी करंट आ रही होगी तो उसमें साइक्लिक रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, यानी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, तो डीसी सर्किट के लिए हिस्टेरेसिस लॉस हो गया जीरो. तो ये तो बात हो गई हिस्टेरेसिस लॉस. ओके, अब एक टर्म और बचा है, एडी करंट. एडी का मतलब होता है हिंदी में हवर, जो कि नदियों में रिवर्स में आपने देखा होगा. तो यहाँ पर ये जो आप करंट देख रहे हैं, करंट के लूप्स, ये सर्कुलर शेप में इस तरह से भंवर बन रहे हैं. नदी में देखिए आप, रिवर्स में तो ऊपर से इस तरह से भंवर बनते हैं पानी के. तो ये सर्कुलर जो एडीज बन रही हैं, यानी भंवर बन रहा है, उसको कहते हैं सर्कुलर एडीज ऑफ करंट.
और इसके वजह से जो लॉस होता है उसको कहते हैं एडी करंट लॉस। लॉस क्या होगा कि अगर ये जो आप देख रहे हो एक मेटल है, मेटल का ये सरफेस है, इस पे सरफेस पे अगर इस तरह से सर्कुलर करंट पैदा हो जाएंगे तो सरफेस में हीटिंग होगी, पहली चीज। तो हीटिंग होगी यानी हीट लॉस हो रहा है, ठीक है, पावर का वेस्टेज हो रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया क्या, एडी करंट लॉस। एक लॉस और होगा, वो लॉस क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा, इसी को मैं यहाँ अलग से एक बार बना लेता हूँ। मान लीजिए कि एक कोर है, ये कोर ऐसे एनवायरनमेंट में प्लेस्ड है जहां पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, यानी साइक्लिक रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, सिमिलर टू दैट विच वी हैव कंसीडर्ड इन केस ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, पहले वो इस तरह से है कि मान लीजिए ये जो फेस आप देख रहे हैं कोर का, ये आपकी तरफ है, यानी स्क्रीन से बाहर की तरफ इस सामने आपके फेस दिख रहा है। तो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो स्क्रीन से अंदर की तरफ है। मान लीजिए पहले बी इतना है, फिर बी का मैग्नीट्यूड और बढ़ा, फिर बी का मैग्नीट्यूड और बढ़ा, फिर बी का मैग्नीट्यूड और बढ़ा। टाइम के साथ जो बी है जहां पर ये कोर रखा हुआ है वो टाइम के साथ इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर इस जो कोर है, मेटल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, एक सर्कुलर करंट बनाने लगेंगे, यानी मैग्नेटिक डाइपोल सर्कुलर करंट्स बनाने लगेंगे, लूप ऑफ करंट्स। किस लिए, अपने कॉज को अपोज करने के लिए। क्यों कॉज अपोज करेंगे, तो आपको फैराडे लॉ और लेंज लॉ अगर याद हो, तो अगर कोई भी मेटल है, कोई भी कंडक्टर है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रखा हुआ है जिससे लिंक होने वाली फ्लक्स समय के साथ बदल रही होगी, तो वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो वही चीज इस कोर के साथ होगी, मेटल के साथ होगी, ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और इस ईएमएफ की वजह से जो करंट आएगी, जो करंट इसमें आएगी वो इस तरह से बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी कि वो अपने कॉज को अपोज कर सके। यहाँ कॉज क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके वजह से ईएमएफ आ रहा था, तो अब इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में बनेगी ताकि वो करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाए जो इस बी के अपोजिट हो। तो ये कैसे हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब इसके अंदर सर्कुलर फॉर्म में करंट बनना शुरू हो और उसका लूप इस तरह से आप क्लॉकवाइज ट्रेस करें। तो क्लॉकवाइज आप ट्रेस करेंगे तो जो लूप बनेगा उससे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बोर्ड से बाहर की तरफ आएगी, मतलब सॉरी स्क्रीन से बाहर की तरफ आएगी, यानी इसके अपोजिट। ये अप्लाइड है और ये बी बनाया इस कोर ने, ठीक है, इस कोर ने भी बनाया जो कि इसके अपोजिट है। जब अप्लाइड बी सिर्फ इतना सा है तो सपोज मान लीजिए एक करंट का लूप बना, फिर बी का मैग्नेट्यूड टाइम के साथ बढ़ा तो एक लूप और आ जाएगा, क्योंकि अब कॉस को अपोज करने के लिए और ताकत चाहिए, और भी बढ़ा तो एक मान लीजिए और लूप बन जाएगा करंट का। तो इस तरह से ये वाला जो बी है जो कि ये मेटल बना रहा है अपने कॉस को अपोज करने के लिए, वो भी बढ़ेगा, तो ये अपने कॉस को अपोज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और इस कोर के बीच में एक फोर्स काम करेगा अपोजिशन का, एक दूसरे को ये कम करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे को के बीच में ड्रैग और पुल का फोर्स काम करेगा। मान लीजिए कि ये जो बी बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है कि यहाँ एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसकी पोलैरिटी एन है, और पीछे एक पोल रखा हुआ है जिसकी पोलैरिटी एस है, तो इसीलिए हमने बताया बी की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग यहाँ एन पोल बन रहा है, एस पोल बन रहा है। तो इस कोर के बीच में और इन पोल्स के बीच में फोर्स ऑफ पुल काम करेगा, यानी ये कोर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो इस पोल के अपोजिट बना रहा है, यानी इनके बीच में फोर्स ऑफ पुल इसको दूर ढकेलने की कोशिश करेगा ये कोर। तो एक तो हीटिंग लॉस होगी जो कि करंट के वजह से हो रही है, एक मेटल गर्म होगा, दूसरा इनके बीच में फोर्स ऑफ पुल काम करेगा, ठीक है। एक ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो मान लीजिए आफ्टर सम टाइम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बदल गई, तो यहाँ एस पोल आ जाएगा, यहाँ पर एन पोल आ जाएगा। तो जो अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अब इधर की तरफ होगी, पहले मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी। तो अब ये जो कोर है, अब इस कोर में जो करंट की डायरेक्शन है
वो क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी जो करंट लूप की डायरेक्शन। अब जो करंट का लूप है वो इस तरह से बनेगा कि वो इस बी को अपोज करे, तो वो तभी हो सकता है जब आप करंट की डायरेक्शन है जो करंट लूप की वो भी अपोजिट हो जाए, यानी कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ज्यादा जब बी बनेगा अप्लाइड तो ये दो लूप बन जाएंगे। तो बी की डायरेक्शन क्या है, अब आप इसको इन सर्कल करेंगे राइट हैंड से, इस लूप को आप इन सर्कल करेंगे। तो पहले अगर आपने बाहर की तरफ बी को लिया था जो ये कोर बना रहा था, अब किधर जाएगा, ये अंदर की तरफ, ठीक है, यानी इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो अब क्या होगा कि ये जो कोर है ये इन पोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अब यानी कि फोर्स ऑफ ड्रैग काम करेगा, तो करंट के लूप तो बन रहे हैं जिसके वजह से हीटिंग लॉस होगा। दूसरा क्या होगा कि इन मैग्नेटिक फील्ड को जो पोल्स बना रहे हैं उनके बीच में और इस मेटल के बीच में फोर्स ऑफ ड्रैग और पुल, इस केस में फोर्स ऑफ पुल, इस केस में फोर्स ऑफ ड्रैग काम करेगा। तो इस तरह से एडी करंट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर और डीसी जनरेटर और डीसी मशीन, ठीक है। तो इससे जो लॉस हुआ, लॉस क्या हुआ, एक तो हीटिंग होगी मटेरियल के सरफेस पे, उससे पावर का लॉस हुआ, और दूसरा फोर्स ऑफ ड्रैग एंड पुल काम करेगा। तो ये लॉसेज हैं ड्यू टू एडी करंट। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं कि इसी सेम कोर को पतले पतले प्लाइसेस में, पतले पतले पीसेस में, जैसे ब्रेड होती है, ब्रेड की तरह पतले पतले पीसेस में काट दिया। तो इससे क्या हुआ, जो अभी ये एडीज ऑफ करंट इस पूरे सर्फेस पे फ्लो हो रही थी, अब वो लोकलाइज हो गए, यानी छोटे एरिया में ही फ्लो हो रही है। तो इससे इसकी स्ट्रेंथ मिनिमाइज हो जाएगी एडी करेंट्स की। इस प्रोसेस को कहते हैं लैमिनेशन। तो हर स्लाइस के बीच में लैमिनेशन लगाते हैं, मतलब इंसुलेशन लगाते हैं, ठीक है, हर स्लाइस के बीच में कुछ इंसुलेशन लगा देते हैं, उसके बाद इन सबको एक साथ इंटैक्ट कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं लैमिनेशन। सो ये है एडी करेंट लॉस। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 1.645 अपॉन रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, यानी जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी मटेरियल में एडी करंट लॉस उतना कम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो एडी करंट को रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा। इसलिए ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं कोर बनाने के लिए जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। स्मॉल टी जो है वो थिकनेस ऑफ द कोर है, तो थिकनेस जितनी ज्यादा होगी कोर की उतना ज्यादा ये लॉस तेजी से स्क्वायर के टर्म्स में बढ़ेगा। इसलिए मटेरियल जो कोर का होता है उसकी थिकनेस को कम से कम रखते हैं डिजाइनिंग प्रोसेस में। फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी यानी रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन की साइकिल होगी उतनी तेजी से लॉस बढ़ेगा। अगेन दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई एडी करंट लॉस के बारे में। और इसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है बाई मेकिंग होल्स और स्लॉट्स ऑन द मेटेलिक प्लेट्स दस रेड्यूसिंग द एरिया अवेलेबल टू फ्लो ऑफ एडी करेंट्स। और एडी करेंट्स आर मिनिमाइज बाय लैमिनेशन ऑफ मेटल टू मेक अ मेटल कोर। द लैमिनेशन मस्ट बी सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक लैक्योर। तो लैक्योर जैसे मटेरियल से इंसुलेशन बीच में लगाया जाता है स्लाइसेस के बीच में, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं लैमिनेशन। यहाँ लैमिनेशन का मतलब पन्नी चढ़ाना नहीं है, यहाँ लैमिनेशन का मतलब यह है कोर को पत्ते पत्ते पीसेस में, स्लाइसेस में काट देना और उसके बीच में इंसुलेटिंग मटीरियल लगा के उन्हें इंटैक्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड लैमिनेशन। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन नहीं है एडी करंट का, एडी करंट का एप्लीकेशन भी है। इंडक्शन फर्नेसेस में एडी करंट का इस्तेमाल करते हैं मेटल्स को गर्म करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, या कोई पर्टिकुलर शेप देने के लिए। इसके अलावा करंट डैम्पिंग एक प्रोसेस होता है, ये आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ा होगा, फिजिक्स में गैल्वेनोमीटर वगैरह में। आप एक बार फिजिक्स की बुक उठाइएगा, गैल्वेनोमीटर वाले में जाइएगा, तो आपको डैम्पिंग मिलेगा, करंट डैम्पिंग। तो आप समझ जाएंगे कि करंट डैम्पिंग का मतलब क्या है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉइंटर को रोकने के लिए एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंडक्शन एनर्जी मीटर, यानी पुराने बिजली के जो मीटर थे, वो एडी करंट के प्रिंसिपल पे काम करते थे। तो उसमें जो डिस्क घूमती रहती थी वो एडी करंट प्रिंसिपल से ही घूमती थी। इसके अलावा एडी करंट का यूज मैग्लेव ट्रेन्स में, यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे ट्रेन्स चलती हैं, जापान में चलती थी मैग्लेव ट्रेन, उसमें ब्रेकिंग सिस्टम में यानी ब्रेक लगाने में भी एडी करंट का इस्तेमाल करते थे। ये एप्लीकेशन है एडी करंट्स का। आप में से किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। फिलहाल एडी करंट में इतना ही आपको पढ़ना है।